करके ले आकर 10,000 मानदेय पर क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? बदलाव होगा अखिलेश यादव भक्त, मोदी भक्त होते हैं वैसे, दम कुछ भी हो जाए अखिलेश को मारना है 22 में, अखिलेश को आना है, आना भैया, मतलब कोई मतलब नहीं है क्या करना है क्या नहीं, मारना है ठप्पा खट दम साइकिल ओके भाई सही बात बोले एक नंबर, सोचना वोचना नहीं है मार देना है दंड दम भैया, पीछे मत सोचना नहीं है क्या है, बस साइकिल खलुट मारना है, बस में कुछ नहीं मतलब सोचेंगे भी नहीं कि कैसे देंगे, ठीक है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम जहूराबाद में है, जहूराबाद गाजीपुर का एक विधानसभा है। जहूराबाद के विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव समाज पार्टी के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम लोगों से बात करेंगे कितना काम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम हमेशा जो है सदन से लेकर सड़क तक वह बोलते रहते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से उनका गठबंधन था, लेकिन इस समय भाजपा पे आंखें तरेर रहे हैं, खुलकर बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, खुलकर बोलते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। अब देखते हैं लोग कितना बोलते हैं उनके पक्ष में या विपक्ष में। क्या नाम है? विंध्याचल कुशवाहा। क्या लग रहा है 2022 का चुनाव सामने है? हाँ। योगी जी आएंगे कि अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे। क्यों? कार्य उनका बहुत अच्छा है। अब विधायक जी तो अखिलेश जी के पीछे पड़े हुए, मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे? अरे भाई, विधायक जी की बात सोच अलग है, अब हम लोगों की सोच, जनता की सोच अलग है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए योगी जी को आना जरूरी है। राजभर जी यहाँ के जो विधायक हैं, पिछली बार उनसे बीजेपी का गठबंधन था, तो क्या लग रहा है राजभर जी जो है फिर चुनाव जीतेंगे यहाँ पे? राजभर जी का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अपने नहीं जीतेंगे वो? अपने स्वयं नहीं, गठबंधन तो हो गया सपा से, गठबंधन हो गया लेकिन उम्मीद कम है जीतने की। कारण क्या है? कुछ किया ही नहीं अपने क्षेत्र में, कुछ नहीं किया अपने क्षेत्र में। अच्छा ये बताइए, सारे नेता बीजेपी के समर्थक हैं, सारे नेता बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान चले गए, इसी जनपद के हैं, बगल के जनपद के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, और सब लोग कह रहे हैं पिछड़ों के साथ बीजेपी ने अन्याय किया है, तो क्या लग रहा है पिछड़े इस बार कहाँ जाएंगे? भाई पिछड़े तो योगी के साथ हैं, उन्होंने राशन फ्री में दे रहा है, फ्री में मोदी जी ने साल में 6,000 रुपया दे रहा है, सब माने भ्रष्टाचार जो है बहुत कम हो गया है, अखिलेश के ज़माने में भ्रष्टाचार बहुत था। अच्छा, अब कह रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार है? अब हम लोगों के देखने में हम लोग तो चैन से खा कर सो रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं था? भाई पहले तो दिक्कत थी, पहले दिक्कत था हैं? आइए इधर आ जाइए, ये कह रहे हैं चाचा पहले बहुत दिक्कत था। बोलिए। हाँ, पिछले सरकार में दिक्कत था क्या? लड़ाई झगड़ा होता था क्या अगले सरकार में? नहीं तो नहीं हुआ था चाचा। पिछले सरकार में क्या होता था? भाई सरकार में अत्याचार उसमें बहुत था। हाँ, नहीं था। हम कहता 2022 में अखिलेश चाहिए। अखिलेश चाहिए? नहीं आएंगे तो क्या होगा? आएंगे भाई, आएंगे भाई। क्या चाचा कह रहे हैं कि सारे पिछड़े चले गए भाजपा में? अरे आएंगे, अखिलेश भी आएंगे 2022 में आएंगे। अखिलेश चाचा आएंगे? अखिलेश आएंगे भाई, जनता न जानेंगे हम कैसे जाने। अरे आप पे जनता है ना? हाँ भाई, जनता कैसे? अच्छा ठीक है, अखिलेश आई है कि नहीं है इधर आई जानते हैं, लेकिन ये जाकर राजभर जी जीती है कि नहीं? आप हमारा कैसे कह जाए, आप तो नसीब वाली बात हो गई ना। तो नसीब उनके लिखल हुआ कि नहीं? अब हमारा कैसे कह जाए ऐसा है क्या चाचा? राजभर जी यहाँ के विधायक हैं जहानपुर के, ये बताइए क्या लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे? जीतबे न करके साफ साफ सब लड़त है, जीत ही खातिर लड़त बा सब के जीत जाए। हाँ, हर अखिलेश मुख्यमंत्री बनिया, योगी बात का नहीं, आप लड़े का तैयारी कर ले वहाँ, तू जानते हो हम जीता भले हार जाए। अच्छा, हार जाएगा उससे मतलब नहीं है, बाकी वो अपन कब्जा बना लिए हम लोग जीतेंगे। अच्छा हाँ, तो क्या लगा था मैंने आपके हिसाब से करी है साहब? राजभर जी जीती है इस बार तो गठबंधन सपा? हाँ, पूरा चप्पल रहा सपा कौनो बात ना के चप्पल रहे वो है। हाँ, योगी जी काम कैसे कैल? ठीक है कैल, बल वल हक उक दिल, कोनो बात के चिंता ना। अच्छा, मतलब नाराज है? नाराज नहीं है, ठीक है। अभी कर रहे हैं बल हक नहीं है वो हमन में गलती है कि हक दे रहे हैं जा, वो कहले हम के हक के खातिर थोड़े।
जोगी थोड़े कहले हम नहीं। अरे जोगी जी का तो गाय बछरू है ना, वो ने मोदी जी के बाण ई तो सब हम हन का ना बाण हम हन हकले बाण जे दूध पिया थई जाए करब गाय बिसुक जा के गलती तो हम हन का जोगी के दोषिया होता। जोगी दोषी यहां बाण जोगी दोषी है, हम लोग गाय बछड़ा तो हम लोगों के ना गाय बछड़ा समस्या है कि नहीं है? है, सही बात है। अच्छा मान लीजिए इस बार समस्या आता था, इस बार समस्या है गाय बछड़ों को लेकर, पिछली सरकार में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी क्या? खेतों में नहीं जाते थे गाय बछड़े? नहीं नहीं, बहुत कम थे। तब कहाँ जाते थे? वो सब बेच देते थे, सब बिका जाते थे ना? बिक जाता था। इस सरकार में आप लोग बेच भी नहीं पा रहे? नहीं पा रहे। तब किसान नाराज होंगे? अरे किसान तो भाई नाराज है नहीं, बिके जाता गोई चौदह 10,000-12,000 के बिका था ना बैल से, अब बिका तो नहीं बा। अरे बैल है ना हो तो बिकाइए कहाँ से, हर जोते के क्योंकि समड़े नहीं खेते बिकाइए कहाँ, सब लोग तो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, सब लोग ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, बैल है कोई जोतने के लिए है या नहीं तो बड़े है ना, बिकाइए कहाँ से। सही बात हो ना? एकदम सही है, हम सब सही है, हम सब बात बोल रहे हैं। हाँ सही बात है। अच्छा ये बताइए, 22 का चुनाव सामने है, राजभर जी विधायक है यहाँ के, अपने जीतने के साथ साथ अखिलेश जी को जिता पाएंगे कि नहीं? कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना के ही दम लेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, हैं? सही कह रहे हैं। बताइए कैसे कह रहे हैं? सही कह रहे हैं वो तो? सही कह रहे हैं। गठबंधन जो हुआ है पिछड़े का ST SC का, वो सबको लेकर के चल रहे हैं। सही ST वाले तो गए, शेखर आजाद चले गए, कर हम नहीं करेंगे। ठीक वो गए, और लोग हैं ना? कौन कौन है? अरे बहुत लोग है, नीचे वाले बहुत लोग है। नीचे वाले तो लोग कह रहे क्या कर रहे हैं चाचा नहीं बनी सब पीछे? अरे चाचा कह रहे हैं वो अपने विचार रख रहे हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन आपको लग रहा है क्या पिछड़े समाज के लोग जा रहे हैं सपा? हाँ पिछड़े समाज के लोग A to Z जा रहे हैं। हाँ राजभर जी के साथ और उनके साथ। हाँ अगड़े लोग? अगड़े लोग की बात हम नहीं कर सकते, अगड़े लोग तो जहाँ आए तहाँ ये है, उसमें भी जो ब्राह्मण है वो जा रहे हैं। किसके साथ? अखिलेश के साथ। चाचा सही बात है, ब्राह्मण जा रहा है क्या अखिलेश के साथ? ब्राह्मण तो सतीश चंद्र मिश्रा के साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा के साथ? हाँ मायावती के साथ हैं ब्राह्मण है? और कुछ ब्राह्मण बिना बाबा तो छोड़ दिए सपा में चले गए। अरे तिवारी हाथ, अरे उस तरह से कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ दिए चले गए सपा में, जब 5 बरस मलाई खा लिए तो छोड़ दिए। ये सवाल सही है, दलितों का कुछ नहीं सोचे आज, जो अब 5 बरस नहीं सोचे हैं कि दलित का क्या होगा, मौर्य समाज का क्या होगा। आज जो है जब 5 वर्ष अब उनके परिवार को और उनको टिकट नहीं मिला तो चले गए, मलाई छोड़ करके चले गए। सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? बबलू राजभर। बबलू राजभर विधायक राजभर जी हैं। हाँ। क्या लग रहा है? गए इस बार? गए इस बार कहाँ गए? जहाँ से आए थे तहीं जाएंगे, हारेंगे। ये महाराज बिरादरी के लोग कह रहे हैं कि पूरा बिरादरी, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ यूपी की राजनीति जातिवाद से अनिल राजभर है वो भी। अच्छा आप अनिल राजभर वाले हैं? हाँ। भाजपा वाले हैं? हाँ, भाजपा वाले। तो अनिल राजभर के साथ राजभर हैं? बहुत है। हुँ? बहुत है। इस विधानसभा में हैं? हाँ बहुत है। कई बार आए अनिल राजभर यहाँ? अरे हम 2-3 बार हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, कदमाबाद आए थे फिर वहाँ। पहले किसके वोट देते थे आप? बीजेपी। जब इनको ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन था तो बीजेपी शुरू से भाजपा वाले हैं। हाँ तो आपके गांव वाले राजभर लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं, वही आधा इधर आधा उधर ऐसे। आप पहले क्या था? पहले सब भाजपा में थे। नहीं पहले सब जैसे ओम प्रकाश जी लड़ते थे भाजपा में। तो राजभर जी तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना है, मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि गए काम से तो कैसे जीतेंगे? जीतबे नहीं करेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी अखला मोदी के मुख्यमंत्री बने, अरे जोगी के मुख्यमंत्री बनाइए, अखला अखिलेश के बनाइए, अखला मायावती के बनाइए, वो तो जे के चाहिए वो के बना दिए। हाँ वो तो हर बार जिसको चाहेंगे उसको बनाते रहेंगे उसी तरह से। सुबह में अपना गए हैं ना भाजपा में, सुबह में गए 10 बजे तब 5 अखिलेश की बहू गई ना, छोटी बहू गई गई ना भाजपा मजबूत हो। नहीं भाजपा के लोग भी तो छोड़ रहे हैं। हाँ, मौर्य जी कह रहे हैं कि पिछड़ा समाज के साथ अन्याय हुआ। हमारे दिन वो मौर्य है ना अभी। कौन मौर्य? केशव प्रसाद मौर्य है ना। आऊ चले गए तब क्या होगा? कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है उनके जाने से, कोई असर नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो कह रहे हैं पूरा आप भी कुशवाहा है ना जी, तो वही तो आप ही बिरादरी तो है। अरे हमारे बिरादरी का है तो बसपा छोड़कर, बसपा में थे मंत्री थे, बसपा को छोड़कर के भाजपा में चले गए मंत्री हो गए, अब बसपा को छोड़कर के अरे भाजपा को छोड़कर के आ गए सपा में मंत्री बनने के लिए। उनको अपनी सोच चाहिए, मौर्य किस मौर्य का उद्धार किए हैं? कुछ नहीं किए मौर्य। पूरा अत्याचार हुआ इस सरकार में, तो वही जो थे अत्याचार सरकार में थे ना, अत्याचार क्यों नहीं रोके? इसलिए तो इस्तीफा दे दिए।
कहाँ दिया है इस्तीफा? अब तो दिया है ना, अब तो दिया है। तो हमारा पूरा समाज हमारे साथ, पूरा समाज कुछ नहीं उनका साथ है। हमको और केशव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन जो है योगी जी को बना दिया गया। नहीं नहीं, क्यों उनको क्यों नहीं बने मुख्यमंत्री? हाँ, उनको बनना चाहिए था ना। इधर ही तो लोग कह रहे हैं सब बीजेपी वाले हैं। अरे बनोज भैया, हम तो अखिलेश वाले हैं पूरा। तो कैसे बनेगा जब सब बीजेपी को वोट देंगे? अरे 2022 में अखिलेश आएंगे भैया, यहाँ से अखिलेश पूरा जाएगा। यही तो लोग राजभर जी कह रहे हैं, कुशवाहा जी कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं। मेरा नाम चंदन चौहान है, मैं चौहान हूँ। अभी अखिलेश को वोट देते हैं, शुरू से देते हैं। दारा सिंह जब थे तो तब भी देते थे, तो अखिलेशवादी हैं। अखिलेश यादव भक्त, मोदी भक्त होते हैं वैसे। दम कुछ भी हो जाए अखिलेश को मारना। 22 में अखिलेश को आना है, आना है भैया। मतलब कोई मतलब नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, मारना है ठपाखट दम साइकिल। ओके भाई, सही बात बोले, एक नंबर। सोचना वोचना नहीं, मार देना दम दम। पीछे मत सोचना नहीं है क्या है, साइकिल खलुट मारना है, बस में कुछ नहीं। मतलब सोचेंगे भी नहीं कि कैसे देंगे, ठीक है साइकिल को मारेंगे। कोई मान लीजिए तमाम योजनाएं हैं, अखिलेश जी क्या करेंगे, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं? बता रहे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको सरकारी थी तो लड़के के नौकरी को पा गए थे। जनता को प्रेम वाले इधर आइए। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है 22 में क्या होने वाला है? 22 में क्या बताएं, हम तो भाजपा थे लेकिन वित्तहीन वाले जो शिक्षक थे, शिक्षक जी जी, अखिलेश ने 500 रुपया मंथली किया लेकिन योगी तुरंत बैठे उसको खत्म कर दिए, वित्तहीन शिक्षक। हाँ, और शिक्षा के विषय में योगी ने नष्ट कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा तो जयराम यादव है, भाजपा थे पर हाँ अभी भी भाजपा है, लेकिन दुखी हैं आप? हाँ, क्योंकि वित्तहीन वाले आज भी मतलब 5 साल योगी का सरकार बना, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किए कि वित्तहीन वाले शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं। तो फिर क्या लग रहा है, वित्तहीन शिक्षक तो नाराज होगा। अभी आप कौन वादी हैं, अखिलेशवादी हैं कि योगीवादी? अब समय आएगा तो बताएंगे। नाराज हैं लेकिन कौन है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं वित्तहीन वाले, किसी को 500 रुपया दे रहे हैं और 8 घंटा शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसको, आते आते मतलब उनको मानदेय अखिलेश ने दिया था और अखिलेश आते आते उनके खत्म कर दिए। और आज तक ले योगी ने नहीं किया कि वित्तहीन वालों को कुछ दिया जा। फिर और शिक्षा को उन्होंने, शिक्षा क्या बच्चे 2 महीना चल रहा है, महंगाई है कि नहीं, इतने लोग हैं खड़े, महंगाई तो है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिर क्या होगा? नहीं, महंगाई सबके लिए ना है, महंगाई है तो फिर जो है महंगाई सबके लिए है। क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा चरम सीमा पर है, मुद्दा बनेगा, बहुत मुद्दा बनेगा एकदम गर्म है। लिए तो यही मुद्दा है महंगाई, बराबर एक नंबर बेरोजगारी। हाँ सही बात, महंगाई बहुत ज्यादा। अभी आप तू कहते रहा यहाँ की हम सुने, हम बता रहे हैं जो महंगाई है सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार में और बेरोजगारी। हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई है। हाँ महंगाई है, कहाँ गए भाजपा पिताजी? महंगाई जैसे मास्टर साहब का है, सुनिए वित्तहीन की बात किया है ना मास्टर साहब कि वित्तहीन को नहीं पैसा दिया गया। शिक्षा मित्रों का शोषण अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने किया, अखिलेश यादव 30,000 से 10,000 वही किए, नहीं 3500 रुपया से 10,000 योगी ने किया अखिलेश शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था 45,000 शिक्षा मित्रों को सरकार में तब जानकारी आपको बता दें 30,000 रुपया अखिलेश के सरकार में मिलता था, योगी जी आए तो 10,000 हो गया। समायोजन शिक्षकों को, मित्रों को, शिक्षा मित्र को समायोजन ने अखिलेश सरकार ने किया, 42,000-39,000 लोगों ने पाने लगा। आज जब इनकी सरकार बनी तो उनको फिर धराशाही कर दिया, कर ले आकर 10,000 मानदेय। तो क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? बदलाव होगा। चलिए, ये थे ओम प्रकाश राजभर के क्षेत्र के लोग हैं, मिला जुला असर है, राजभर समाज के लोग भी कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से नाराज हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक थे, वो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी चरम पर है तो बदलाव निश्चित है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवा किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।